तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो क्लास करेंगे क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स का ऑफिशियल मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है और ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ ऑफिशियल मॉडल पेपर है। तो आप सभी जो है इस मॉडल पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी फटाफट से शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि जो है आप लोग के फ्रेंड्स भी इस क्लास का फायदा उठा पाए। और जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, उसने कहा था यहाँ पे क्वेश्चन का, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था, तो किससे कहा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लहना सिंह से कहा था, राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था, जो संपूर्ण क्रांति का भाषण है वो किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे औसत नीरा शीर्षक निबंध में निम्न में से किस रचनाकार है, किसका रचनाकार है, यानी बताना इसका जो औसत नीरा शीर्षक पाठ है इसके निबंध के यहाँ पे रचनाकार का नाम पूछ रहा है, तो किसने दिया था, तो ये जो है जगदीश चंद्र माथुर ने दिया था, ठीक है दोस्तों, बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है, जो जूठक शीर्षक है जूठन ये बताना कि किसकी आत्मकथा है, ये तो है ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का शिक्षा निम्न में से किनकी रचना, जो शिक्षा पाठ है वो किसकी रचना है ये बताना है हम लोग को, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा जो जयकृष्ण मूर्ति का यह रचना है, ठीक है दोस्तों, यानी कि बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जायसी की रचना निम्न में से कौन है, जो मलिक मोहम्मद जायसी उनका रचना पूछ रहे हैं कि कौन है, तो उनका जो रचना है वो पद्मावत है, कौन है, पद्मावत है, यानी ए जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक के द्वारा दिया गया, ये पता नहीं कि किस लेखक के द्वारा दिया गया है, तो यह शिक्षा से लिया गया है और ये जिसने लिखा है वो जयकृष्ण मूर्ति ने के द्वारा यह कथन दिया गया, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहां पे सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता, तो सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया था, तो उनमें जो है नहीं पाया था वो वीर रस नहीं पाया था, ठीक है दोस्तों, और कौन सा रस पाया जाता है, तो वात्सल्य रस पाया जाता है, और यहां पे श्रृंगार रस और भक्ति रस रस पाया जाता है, लेकिन वीर रस जो है उनके पद में नहीं पाया जाता, यानी कि ए जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का हिंदी साहित्य का सुर किसे कहा जाता है, जो हिंदी साहित्य का सुर है किसे कहा जाता है, तो हम लोग सूरदास को हिंदी साहित्य का सुर कहते हैं, यानी कि सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पठित पाठ के अनुसार पंच पंचायती राज में क्या खो गया, जो पंचायती राज है उसमें क्या खोया गया था, तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए थे, ठीक है दोस्तों, बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था, जो एक लेख और एक पत्र है भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो सुखदेव को लिखा था, किसको लिखा था, सुखदेव को लिखा था, राइट आंसर जो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन है, तो कौन है जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति ये बताना हम लोग को, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, आषाढ़ दिन हो जाएगा, यानी कि डी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्त लोग के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जितने स्टूडेंट लाइव रहेंगे उतना ही अच्छा होगा क्लास के लिए और सबको पता चल जाएगा कि राइट आंसर क्या है क्या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष बताने की कब हुआ था, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1943 में यह प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था, 1943 में यह प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम पूछ रहा है कि पिता का नाम क्या था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पिता का नाम था वो ठाकुर रामनाथ सिंह था, क्या था, ठाकुर रामनाथ सिंह था, यानी कि बी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से किनको मिला था, तो शेक्सपियर पुरस्कार किसको मिला था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला था, ठीक है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला था, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, जो अर्धनारीश्वर है वो क्या है, क्या वह निबंध है, कहानी है, नाटक है, या फिर आलोचना है, तो अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है, क्या है, एक निबंध है, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सरोज स्मृति शीर्षक रचना के कौन विधा है, बताने की कौन सी विधा है, यह जो है एक शोक गीत है, क्या है, एक शोक गीत है, सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान पूछ रहे कि कहां है उनका जन्म स्थान, तो उनका जो जन्म हुआ था वो जयपुर में हुआ था, कहां हुआ था, जयपुर में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहां है, तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म स्थान है वो सिमरिया बेगूसराय में है, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का संस्कृत के चार अध्याय के रचयिता के निम्न में से कौन है, जो संस्कृत के चार अध्याय इसके रचयिता का नाम पूछ रहा है, तो कौन हो जाएंगे, तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, यानी कि सी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ है, जो अज्ञेय जी है उनका जन्म स्थान कहाँ है ये बताना है, तो अज्ञेय जी का जो जन्म स्थान है वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, कहाँ है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म है, यानी कि ए जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है, तो जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म है वो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ है, ठीक है दोस्तों, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मोहन राकेश का जो बचपन का नाम था वो मदन मोहन गुगलानी था। क्या था? मदन मोहन गुगलानी जो है मोहन राकेश का बचपन का नाम था, यानी कि ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो किसके लिए मिला था? तो उनको उर्वशी के लिए मिला था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर, निम्न में से कौन कहानी जो मील का पत्थर के नाम से जाना जाता है वो कौन सी कहानी है? तो उसने कहा था, यानी कि बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, हजारा सिंह किस कहानी के पात्र है? जो हजारा सिंह है वो किस कहानी के पात्र है, यानी कि किस कहानी में वो दिख रहे हैं? तो वो जो है उसने कहा था मैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई? जो पंक्ति है वो बताना है कि किससे ली गई है, तो ये जो लिया गया है उसने कहा था से लिया गया। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, महेश्वर किस कहानी के पात्र? जो महेश्वर है वो किस कहानी के पात्र है? तो वो रोज कहानी के पात्र है। ठीक है दोस्तों, और महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? तो मालती नाम है, यानी कि राइट आंसर जो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, कुंती किस एकांकी की पात्र है? जो कुंती है वो किस पाठ की एक पात्र है ये बताना हम लोग को, तो कुंती जो है सिपाही की माँ की एक पात्र है, यानी कि राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है? जो यहाँ पे कविता के नए प्रतिमान है इसके हम लोग को बताना है कि रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? तो नामवर सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नामवर सिंह, यानी कि सी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो किससे ली गई है? तो यह जो लिया गया है वह बातचीत के जरिए से लिया गया। ठीक है दोस्तों, बातचीत के जरिए होता है, यानी कि राइट आंसर जो है ये हो जाएगा, बातचीत से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला है? तो किनको मिला है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, इनसे ये ना कराओ भूखे रह लेंगे, इनसे इस गंदगी में ना घसीटो, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो किससे ली गई है? तो यह जो लिया गया है वो जूठन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पंडित राम अवतार वेद एवं पिताजी किस कहानी के पात्र हैं? जो किस कहानी के पात्र हैं जो बता रहे हैं हम लोग, जो पंडित राम अवतार और वेद हैं, यह किस कहानी के पात्र हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का तीरिज पाठ के। ठीक है दोस्तों, तीरिज पाठ के, यानी कि ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन क्या हम लोग का, जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र हैं? तो किस आत्मकथा के पात्र हैं? तो जब भी आत्मकथा पूछेगा तो आपको क्या बता देना है, तो आपको जूठन बताना है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यहाँ पे प्रेमाख्या नामक काव्यधारा निम्न में से किस कवि के द्वारा लिखा गया है? बताना कि कौन से कवि हैं इसके, ये बताना है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रेम के पीर के कवि थे, इसीलिए सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, यहाँ पे गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो किससे ली गई है? तो यह जो लिया गया है वो छप्पे पाठ से लिया गया। किससे लिया गया? छप्पे से लिया गया। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कली कराल दुखाल दारुण सब कुमाती कुजासु, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो किस शीर्षक से ली गई है बताना हम लोग को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हारजीत से लिया गया। किससे लिया गया? हारजीत से लिया गया। राइट आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो किससे ली गई है? तो ये पुत्र वियोग से लिया गया। किससे लिया गया? पुत्र वियोग से लिया गया है। ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, की जिन बुझो से गांव के घर रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है? तो किससे लिया गया ये बताना हम लोग को। यह जो लिया गया है गांव के घर से लिया गया है। किससे लिया गया? गांव के घर से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? यह पंक्ति बताना कि किस पाठ से ली गई है? तो यह अर्धनारीश्वर से लिया गया। किससे लिया गया? अर्धनारीश्वर से लिया गया। ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग, ओ सदनीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा की गई है? तो किस नदी की चर्चा की गई है? तो गंडक नदी की चर्चा की गई है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने पर से भी मर जाते हैं, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? बताने कि किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है ये जो कांटों से भी मौत हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रोज से है। ठीक है दोस्तों, रोज से लिया गया है। राइट आंसर जो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, तीरिज कहानी किस प्रकार की रचना है? जो तीरिज कहानी है वो किस प्रकार की रचना है? ये जो है एक जादुई यथार्थवादी है। क्या है? तो ये एक जादुई यथार्थवादी है, यानी कि डी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है? तो गैंग्रीन जो शीर्षक है इसके रचना करके रचयिता का नाम बताना है कौन है? तो अज्ञेय जी है। कौन है? अज्ञेय जी है।
ठीक है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का तिरिच शीर्षक पाठ के तिरिच क्या है, जो तिरिच है इसमें तिरिच पूछ रहे हैं, जो तिरिच पाठ है उसमें तिरिच क्या है। तिरिच जो है एक विषैला कीड़ा है, क्या है तिरिच जो है एक विषैला कीड़ा है, यानी कि ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है, जो ये दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है इसका बताना है कि रचयिता कौन है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से, जो पुंडलिक जी है उसका संबंध किससे है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तिरिच से संबंध है, किससे है तिरिच जी से, तिरिच से है एक्चुअली, सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सिपाही की माँ एकांकी में निम्न में से कौन सी पात्रा नहीं है, तो पात्रा नहीं है ये पूछना है। तो कुंती तो थी उसमें, और मुन्नी भी थी और बिस्नी भी थी, ठीक है दोस्तों। कुंती जो थी पड़ोसन थी, मुन्नी बहन थी मानक की, और बिस्नी उनकी माँ थी, लेकिन मालती जो है ये रोज कहानी से ली गई है, यानी कि राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चुहाड़े के जिम्मे था, तो यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, बताना कि यह पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है। तो यह जो लिया गया है जूठन पाठ से लिया गया है, ठीक है दोस्तों, डी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बिना वेतन के लिए शब्द क्या है। तो यहाँ पे देखिए ग्रामर का यानी कि व्याकरण का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, फिर यहाँ पे व्याकरण का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, और अब जो है 50 व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं कि बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या होगा। इसके लिए जो एक शब्द होगा वो अवैतनिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा अवैतनिक हो जाएगा, यानी कि ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कलम की कमाई खाने वाला के लिए शब्द क्या होगा, जो कलम की कमाई खाता है उसके लिए क्या शब्द हो जाता है। उसके लिए जो शब्द होता है वो मसीजीवी होता है, क्या होता है मसीजीवी होता है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का, जहाँ पुस्तकें छपती हो एक शब्द में क्या कहते हैं उसको, तो जहाँ पुस्तक छपती है उसको हम लोग निर्माणशाला कहते हैं, क्या कहते हैं निर्माणशाला कहते हैं, सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जल में रहने वाली सेना को के लिए एक शब्द बताने की, जो जल में रहती है वो सेना उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग नौसेना कहते हैं, यानी कि नेवी में जो रहते हैं तो वो जो रहते हैं नौसेना को कहते हैं हम लोग, यानी कि राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जो फल आहार करता है यानी कि जो फल खाता है उसको हम लोग एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग फलाहारी बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो सब्जियों का आहार करेगा उसको शाकाहारी बोलते हैं, और जो मांस का करेगा उसको मांसाहारी बोलते हैं, और वो सब कुछ खाता है उसको सर्वाहारी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, छात्रों के रहने का स्थान के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जहाँ पे छात्र रहते हैं उसको क्या हम लोग कहेंगे एक शब्द में, तो उसको हम लोग छात्रवास कहेंगे, यानी कि ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, राजदूत में कौन सा समास लगा हुआ, जो राजदूत है इसमें कौन सा समास लगा हुआ है, तो इसमें जो समास लगा हुआ है तत्पुरुष समास लगा है, ठीक है दोस्तों, सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, जो यथाशक्ति समास यहाँ पे है इसको बताने की, कौन सा समास लगा हुआ है, तो इसमें जो समास लगा है वो अव्ययीभाव समास लगा है, ठीक है दोस्तों, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, भला बुरा शब्द में कौन सा समास है, तो भला बुरा में जो समास लगा है वो द्वंद समास लगा है, ठीक है दोस्तों, जब भी बीच में ऐसे डैश रहेगा तो आपको द्वंद समास बोल देना है, यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, दोपहर शब्द में कौन सा समास है, तो जो दोपहर शब्द है उसमें कौन सा समास है, तो उसमें जो समास लगा हुआ है समास वो द्विगु समास है, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, माँ बाप शब्द में कौन सा समास है, तो मैंने बताया कि जहां पे भी ये डैश रहेगा बीच में, और इधर कुछ लिखा होगा इधर कुछ लिखा होगा बीच में डैश होगा, उसके लिए हम लोग कौन सा समास लगा देंगे, उसके लिए जो हम लोग समास लगा देंगे वो द्वंद्व समास लगा देंगे, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, चतुरानंद शब्द में कौन सा समास है, जो चतुरानंद है इसमें बताने की, कौन सा समास लगा हुआ है, तो इसमें जो समास लगा हुआ है वो बहुव्रीही समास लगा है, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, यहाँ पे बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा है, जो बुढ़ापा इसमें कौन सा संज्ञा है, तो ये जो है एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, पाटलिपुत्र शब्द में कौन सा संज्ञा है, जो पाटलिपुत्र शब्द है ये कौन सा संज्ञा है, तो ये जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, गुच्छा शब्द में कौन सा संज्ञा है, जो गुच्छा शब्द है इसमें कौन सा संज्ञा लगा है, तो इसमें जो संज्ञा लगा है वो समूहवाचक संज्ञा है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, चीनी शब्द में कौन सा संज्ञा है, जो चीनी शब्द है इसमें कौन सा संज्ञा लगा है, तो इसमें जो संज्ञा लगा है वो द्रववाचक संज्ञा लगा है, यानी कि सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से शुद्ध शब्द बताने की, शुद्ध शब्द कौन लिखा है, तो यहाँ पे बताने की, जो आशीर्वाद लिखा हुआ है वो कौन सा आशीर्वाद जो है सही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो डी जो है ये आशीर्वाद सही है, बाकी ये सब जो है इस तरीके से नहीं लिखा जाता है आशीर्वाद, और यहाँ पे देखिए ये जो डी है इसी तरीके से आशीर्वाद लिखा जाता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का,
निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो इसमें प्रशंसा बताने की जो प्रशंसा है वह किस तरीके से लिखा जाता है, तो प्रशंसा जो है इस तरीके से लिखा जाता है, बाकी ये सब जो है गलत दिया हुआ है, यानी कि राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इतिहास शब्द में विशेषण क्या है, तो इतिहास शब्द का हम लोग को विशेषण बताने की, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऐतिहासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक, यानी कि ए जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लोक शब्द का विशेषण क्या है, जो लोक शब्द है इसमें बताना कि कौन से विशेषण है, तो लोक का जो विशेषण हो जाएगा वो लौकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लौकिक हो जाएगा, यानी कि बी जो है इसके लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे भारत शब्द का विशेषण क्या है, जो भारत शब्द है इसका विशेषण बताना कि किस तरीके से होता है, तो इसका जो विशेषण होता है विशेषण वो भारतीय होता है, यानी कि बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ बताना है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बहुत परिश्रम करना खून पसीना एक करना का मुहावरे का अर्थ हो जाता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ बताना है कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, तो लड़ाई करना होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो जब गाल बजाता है आदमी तो उसको हम लोग मुहावरे का अर्थ में क्या कहते हैं, तो वो डिंग हाकना कहते हैं। क्या कहते हैं? डिंग हाकना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या है, जो अग्नि शब्द का पर्यायवाची पूछ रहे हैं कि अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, वो पावक हो जाता है। पावक जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कपड़ा शब्द में पर्यायवाची क्या है, जो कपड़ा शब्द है उसमें पर्यायवाची बताना है, तो कपड़ा का जो पर्यायवाची हो जाएगा वस्त्र हो जाएगा, यानी कि ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, काजल शब्द क्या है, जो काजल शब्द है वो कौन सा लिंग है ये बताना है, तो काजल जो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो काजल जो है एक पुलिंग शब्द है। क्या है? एक पुलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, आत्मा शब्द क्या है, तो आत्मा शब्द बताना कि कौन सा लिंग हो जाएगा, तो आत्मा जो है कोई लिंग नहीं होता, ना ये स्त्रीलिंग होता, ना ये पुलिंग होता, ना ये उभयलिंग होता, आत्मा जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, प्राण शब्द क्या है, जो प्राण शब्द है वो क्या है, तो प्राण शब्द जो है एक पुलिंग शब्द है। क्या है? एक पुलिंग शब्द है, यानी कि ए जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पुरस्कार शब्द में विलोम क्या होगा, तो पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, तो पुरस्कार जो विलोम हो जाएगा वो दंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी सम्मान आदर और यहाँ पे प्रासंगिक जो है ये सब इसका पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन दंड जो है पुरस्कार का विलोम शब्द होता है, यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यहाँ पे अनुराग शब्द का विलोम होगा, तो अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा, तो अनुराग का जो विलोम होता है वो विराग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, जो कृपा शब्द है उसका विलोम पता ना कि कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, तो वो कोप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, गणतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा, जो गणतंत्र है उसका हम लोग को विलोम शब्द बताना है, इसके लिए जो विलोम शब्द होता है वो राजतंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, यहाँ पे साकार शब्द का विलोम क्या है, जो साकार शब्द है इसका विलोम पूछ रहा है कि इसका विलोम क्या होता है, तो वो निराकार होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, दक्षिण शब्द का विलोम क्या होगा, तो दक्षिण शब्द का विलोम क्या होता है, दक्षिण शब्द का जो विलोम होता है उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नीलकमल, यहाँ पे नीलकमल शब्द में कौन सा समास लगा है, तो नीलकमल में हम लोग को बताना है कौन सा समास लगा हुआ है, तो नीलकमल में जो समास लगा हुआ है वो कर्मधारय समास लगा है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है, जो थोड़ा पानी है या किस विशेषण का बताना है कि उदाहरण है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो परिमाण बोधक है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग, यहाँ पे जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद बताना है, जो जगन्नाथ का संधि विच्छेद किस तरीके से होता है, जगत जोड़नाथ होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद बताना है, जो विद्यार्थी शब्द है इसका संधि विच्छेद किस तरीके से होता है, तो ये जो होता है विद्या जो अर्थी हो जाता है, यानी कि राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, दिगंबर शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिगंबर शब्द में जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो दिक जोड़ अंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग, यहाँ पे मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा, तो मदिरालय में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो मदिरा जोड़ आलय हो जाएगा, यानी कि बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, अनजान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अनजान शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है कि क्या होगा, तो अनजान शब्द में जो उपसर्ग पूछा जाता है वो अन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अन जो है अनजान का शब्द का उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पुरातन शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है कि पुरातन शब्द जो है इसमें उपसर्ग क्या है, तो पुरातन में जो उपसर्ग है वो पूरा है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जो प्रतिनिधि है इसमें बता रहे कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें प्रति जो है उपसर्ग लगा हुआ, यानी कि राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग, यहाँ पे उपभाषा शब्द में उपसर्ग क्या है, जो उपभाषा है इसमें उपसर्ग क्या है, तो उप जो है इसमें उपसर्ग लगा है, यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है, तो विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है, तो वी जो है यही उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग, यहाँ पे
सुकर्म सदमी उपसर्ग क्या है, तो सुकर्म उपसर्ग क्या है, तो सु जो है यही उपसर्ग है, यानी कि राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं स्वयं खा लूंगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो किस सर्वनाम का उदाहरण है ये बताना हम लोग को, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बेईमान शब्द में है, जो बेईमान शब्द है वो क्या है ये बताना है, बेईमान शब्द जो है वो विदेश शब्द है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, लिंग के हिंदी में कितने प्रकार होते हैं, तो लिंग के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार होते हैं, यानी कि राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया है हिंदी का ऑफिसियल मॉडल पेपर का, तो आप लोग क्या कीजिएगा एक बार इसको और अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जो ये क्वेश्चन है सारे अच्छे से याद हो जाए, माइंड में पूरा घुस जाए एकदम अच्छे से, ताकि आप लोग एग्जाम में जाकर अच्छे से एकदम पूरा वहाँ पे 100 में 100 ऑब्जेक्टिव मार के आ जाइए। वैसे तो 100 नहीं मारा जाता है, 50 ही मारा जाता है, लेकिन आप लोग को ऐसा याद रखना है कि आप लोग को 100 में 100 याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था, क्लास खत्म हो चुकी है। आप लोग क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और अपने दोस्त लोग के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और आप लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।